हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अगस्त मासिक टेस्ट 2022-23 का हल, यानी मासिक आंकलन 2022-23। माह है अगस्त 2022, कक्षा 9वीं के विषय गणित का सलूशन देखने वाले इस वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सबसे पहले सलूशन मिल सके और पेपर जितने भी आपके होते हैं तो यहाँ पर उनका हल सही तरीके से आपको यहाँ से मिल सके। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर गणित विषय के कक्षा 9वीं के पेपर का सलूशन अगस्त माह का। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं उसका, हमारा जो यहाँ पर समय अवधि दी गई है 40 मिनट की और हमें पूर्णांक मिला है इसका 25 नंबर का। ठीक है, तो इसका हम हल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणित का क्या दिया गया है। ये 4 नंबर के आपके आने वाले हैं, 4 ऑब्जेक्टिव, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो हमारा यहाँ पर लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर लिखना बहुपद एक्स वाई जेड की घात क्या होगी। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कोई बाय लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कोई ए लिखा हुआ है। तो यानी कि यदि आपसे घात पूछते हैं तो इसमें केवल एक्स लिखा है तो एक घात मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी कोई नहीं घात तो एक मानेंगे, यहाँ पर भी कुछ घात नहीं है तो एक मान लेते हैं। मतलब कि जहाँ पर आपको कोई घात नहीं दिखे तो वहाँ पर हम कितनी लिखते हैं, एक लिखते हैं। तो यहाँ पर कोई घात लिखी हुई है, घात इसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोई, इसे क्या बोलते हैं, घात दो। ठीक है, जितनी लिखी हुई तो उसे घात बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई घात दिख रही है, नहीं दिख रही है तो कितना मानेंगे हम, एक, क्योंकि जीरो किसी भी पद की घात नहीं मान सकते आप, जो भी है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका सेकंड क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए क्या दिया है हमारा, अच्छे से इसको भी देख लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन दिया है बहुपद 3x में x का गुणांक बताना है आपको। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन गुणांक बताना है हमें x का। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि गुणांक में से हम इसको काट देते हैं तो केवल कितना बच जाता है, गुणा। तो गुणा बच जाता है, तो आपको गुणा में बताना है कितना लिखा है। ऑप्शन है आपका 3, 2, 1 और 1, जिसका हमारा सही आंसर आपको खुद दिख रहा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी 3। क्या हो जाएगा, 3। तो गुणा में कितना लिखा हुआ है हमारा, 3 लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर किसी भी अचर बहुपद की घात कितनी होती है। तो ऑप्शन में दिया है आपका -2/7, 2/7, -7/2 और 7/2। वैसे तो अचर बहुपद की घात होती है हमारी 0, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 0 नहीं दिया है तो हम 0 से मिलता जुलता यहाँ पर कोई आंसर छांटेंगे। तो ऊपर छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन 0 आपको पता है कि 0 से छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए माइनस में। तो 0 के लगभग में आपको यहाँ पर लेना है इसका आंसर। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा होगा, टिक लगा हुआ रेड से, तो आप उसी को नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्या दिया है हमारा। तो चौथा दिया गया आपको यहाँ पर, तो इसको देख लीजिए, किसी वर्ग बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। तो वर्ग बहुपद समझ लेते हैं क्या होता है, ax² + bx + c, इसे बोलते हैं हम वर्ग बहुपद। तो इसमें आप गिन लीजिए कितने पद हैं आपके अधिकतम। तो आपका पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो कितने टोटल पद हैं, 3। तो ऑप्शन में दिया है आपको 1, 2 और 3 और यहाँ पर अपरिमित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 पद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, तो चौथा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि सूर्य की यहाँ से मतलब सूर्य की निर्वात में चाल कितनी है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसे बोलते हैं मानक रूप, यानी यहाँ पर गुणा में लिखा जाता है, यानी 10^10 में लिखते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पर होता है एक प्रकार से वर्ष कितना होता है, 9.45×10^15 यहाँ पर 15 होती है, तो ये पावर के रूप में लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है, इसी को बोलते हैं मानक रूप। तो ये मानक रूप में लिखना है, दशमलव के पहले केवल एक ही अंक हो सकता है या फिर कोई अंक ना दिया हो। ठीक है, यहाँ पर तो देख लीजिए इसका हम पहले का आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर आपका ये रहा, तो पहले में आपको यहाँ पर देखना है, तो अच्छे से देख लीजिए, ये रहा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन दिया है, ये इसका आंसर लिखा हुआ है नीचे। तो किस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं इसे लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8.52×10^-12, और यहाँ पर कितनी है, 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये अच्छे से लिख लेना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है इसका सेकंड, तो इसका भी देख लीजिए, ये दिया गया क्वेश्चन। तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, 8.02 की यहाँ पर जो 10^15 है वो 15 है। इस प्रकार से इसको घात पढ़ा जाता है, ये 15 घात लगी हुई है आपकी।
इसके बाद क्वेश्चन हम सेकंड के बाद थर्ड देख लेते हैं क्या दिया हमारा क्वेश्चन नंबर तीन। तो क्वेश्चन नंबर तीन दिया गया है निम्नलिखित को सरल कीजिए, यानी यहाँ पर जो दिया गया है इसको हमें हल करना है। तो इसका भी देख लेते हैं क्या दिया गया है हल आपका, तो किस प्रकार से करना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको ये करना है, इसके गुणनखंड करेंगे आप, तो इसको तीन से काटेंगे, फिर यहाँ से तीन से काटेंगे, तीन से काटेंगे, तीन से और तीन से, तो आपके गुणनखंड आ जाएंगे एक दो तीन चार और पाँच। तो यहाँ पर पाँच बार कटेगा तीन से, तो इतना काट लेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पर जो 243 लिखा है उसको आपको गुणनखंडों के रूप में लिखना है। कितने आए थे, पाँच, एक दो तीन चार और पाँच, इस प्रकार से लिख देंगे। इसकी घात कितनी लगी हुई, एक बटा दो, तो एक बटा दो लिख, यहाँ पर एक बटा पाँच, तो यहाँ पर एक बटा पाँच लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये तीन पाँच बार लिखा हुआ है, तो तीन की घात हम पाँच लगा देंगे, तीन की घात पाँच लगा देंगे। अब ये वाले पाँच से, बाहर वाले पाँच से ये अंदर वाला पाँच कट जाएगा, तो इसकी घात एक बचेगी, यानी तीन की घात कितनी, एक। तो एक बार लिख देना है, बस एक बार लिख देंगे तीन को, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, तीन। आशा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, चार और पाँच। तो यहाँ पर पाँच दिया है, जाँच कीजिए एक्स बराबर जीरो और दो पर कि बहुपद इतना इतना का मान शून्य है अथवा नहीं है। और इसके बाद पाँचवा दिया है हमारा, इसको सरल करके लिखना है। तो देख लीजिए इसका आंसर, देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर तो इसका आंसर देख लीजिए आप अच्छे से, और क्वेश्चन भी देख लेते हैं अगला क्या है हमारा, छठवा। तो यहाँ पर छठवा दिया गया है, बहुपद इतना और इतने का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स बराबर माइनस एक हो, और बहुपद इतने को हल यहाँ पर योगफल करना है आपको यहाँ पर, और इसके बाद इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो इनका आंसर मैं यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन नंबर चौथा दिखा देता हूँ किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो चौथे को आप करेंगे इस प्रकार से कि आपको x का मान पहले जीरो रखना है इस वाले में। तो यहाँ पर हमारा दिया है पी एक्स, कितना दिया है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। एक्स बराबर कब को रखना रखना है, जीरो रखेंगे आप x का मान, तो यहाँ पर जीरो की घात दो आ जाएगी माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पर x की जगह पर जीरो रखेंगे, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा जीरो। तो यहाँ पर पहले का मान आपका जीरो आ गया है, तो इसमें शून्य होगा। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, तो ये पहला हो गया आपका चेक, इसके बाद दूसरा चेक करते हैं दो पर। तो दो रखेंगे यहाँ पर, अब एक्स का मान कितना रखना है इसी में, पी एक्स में, तो पी एक्स में फिर से रखेंगे आप दो, पी एक्स में कितना रखना है, एक्स का मान हमें दो लेना है, तो दो हो जाएगा आपका टू, तो यहाँ पर टू रखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए दो का वर्ग हो जाएगा हमारा चार, और यहाँ पर ये हो जाएगा दो बड़े दो, तो चार, चार में से चार जाएगा तो आपका जीरो हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड है, तो इसकी आपके दोनों के मान आपको शून्य प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये चौथे क्वेश्चन के हमारे दोनों। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया है, इसको सरल करना है, तो देख लीजिए किस प्रकार सरल करते हैं। तो यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है छः की घात सात, यानी छः को सात बार लिखना है, यहाँ पर लिखा है आपको तीन और यहाँ पर लिखा है सात, तो किस प्रकार से हल करेंगे देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर लिखना है छः को कितनी बार लिखना है, सात बार। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन छः गुणे छः, सात बार लिखना है तो सात बार लिख लेंगे, तो ये लिख लिया आपने तीन चार पाँच और छः, एक बार और लिख लेना है आपको इसको, तो ये सात बार हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको बटे में कितनी बार, तीन को यहाँ पर दो को खोलना है तीन बार, और यहाँ पर तीन को खोलना है सात बार। ठीक है, यहाँ पर सात बार खोलेंगे, तो यहाँ पर कितनी बार खोल दिया, एक दो तीन और चार, तो चार कितने बार रह चुके हैं अभी यहाँ पर हमारे, कितने बार बचे हुए से, तीनों बचे हुए हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तीन नीचे और गुणा में, आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हो गया आपके साथ, अब काटेंगे, तो देख लीजिए दो से काटा आपको तीन बार काटा, दो से फिर काटा तीन बार, दो से फिर काटा आपने तीन बार, तीन से काटा आपको ने इस तीन को, तीन से फिर इस तीन को, तीन से इस तीन को काट दिया आपने। इसके बाद इस तीन से काटेंगे आप, इसको दो बार कटेगा, तीन दूनी छः, फिर इससे काटेंगे तीन दूनी छः, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर हम इतना काट चुके थे, यहाँ से इतने वाले, ठीक है, यहाँ पर कट चुके थे आपके, अब इससे काटा है आपने यहाँ से, तो आपको दोबारा से काट के दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से काटा है, यहाँ से अच्छे से देखना। ठीक है, तो यहाँ से इससे दो से काटा हमने, तीन तीन बार कटा,
दो से फिर काटा इसको तीन बार, इससे कटा ये तीन बार में, यहाँ से अब ये तीन से ये तीन कटा, इस तीन से ये तीन कटा, इस तीन से ये तीन कट गया। इसके बाद हमारे तीन से काटेंगे तो ये कितनी बार, दो बार। इस तीन से काटेंगे तो इसे ये दो बार, इससे इसे काटा तो ये भी दो बार, और यहाँ से इससे काटेंगे तो ये भी दो बार कट जाएगा। तो हमारे दो दो के कितने बचे हुए हैं ऊपर, केवल दो दो के चार बचे हुए थे, यानी दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, ठीक है, यहाँ पर ये हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की घात 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगले वाले क्वेश्चन का हल हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन और हल मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।